में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में श्री राम प्यारी देवी जी कुलरिया की प्रेरणा से श्री राम स्नेही संप्रदाय सीथल पीठाधीश्वर महंत श्री 1008 श्री क्षमा राम जी महाराज के श्री मुखशी और श्री रामचरितमानस निर्वहन पाठ का भव्य और विशाल आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आयोजन में करीबन 15,000 राजस्थान प्रांत और पूरे भारत से राम भक्त आए हुए थे। अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे थे। अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मंदिर का उत्सव मनाया। तो बहुत बहुत नमन करते हैं कि हम लोग राजस्थान और बम्बई और पूरी भारत से लोग आके आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है वो राजूदास जी महाराज की तरफ से, वो राजस्थान हमको लेने आए थे कि आप आओ हमारे अयोध्या में राम कथा कराओ, तो जरूर मैं आएंगे। और ये निमंत्रण दे के आए थे राजूदास जी कि आप सब आओ, तो हम आए और राजूदास जी ने बहुत ही बड़ा धर्म निभाया है। पहले हनुमान जी का दर्शन कराया, फिर राम जी का दर्शन कराया। तो हम लोग दर्शन करके रोज 200-200 आदमी को रात को 11 बजे 10 बजे मंदिर खोल के दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे धर्म की बात है, बहुत ही खुशी की बात है और कहने की बात है। जो नरसिंह जी, भंवर जी और पूनम जी को साधुवाद देता हूँ और खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। इनके पूज्य गुरुदेव क्षमाराम जी महाराज पूज्य संत, सीधे संत, सरल संत, सौम्य संत, लेकिन इन तीनों भाई के लिए खूब खूब मंगल कामना के लिए बाबा ने लिखा है कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1001 निमित सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। तो अयोध्या के इस पावन माँ गोद पे और रामचरित मानस का पाठ नरसिंह जी, भंवर जी और पूनम जी के द्वारा आयोजित हुआ, तो तीनों भाइयों के लिए खूब खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। और आज समापन हुआ है, आज इन्होंने अयोध्या के 10,000 संतों को बुलाकर सम्मानित किया, प्रसाद पवाया और अपना तो इधर भजन में मस्त है। करके बहुत अच्छा लगा जिस तरह से ये सात्विक पाठ रामचरितमानस जो यहाँ हुआ है अयोध्या में। हमने तीनों भाइयों ने एक छोटी सी अरदास की थी कि हम यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब मोदी जी के इनविटेशन या भगवान की तरफ से इनविटेशन सब लोगों मिला, उसमें हम भी शामिल थे। हम 22 जनवरी के यहाँ आए थे और हम तीनों भाइयों ने मिलकर एक छोटा सा अर्जी दिया कि हम यहाँ बड़े लेवल में रामचरितमानस का पाठ करेंगे। और यहाँ देखा आपने, यहाँ सात्विक पाठ हुआ है रामचरितमानस का। रामचरितमानस के एक एक चौपाए में, एक एक शब्द में उनके हजारों करोड़ों उसके अर्थ है। और यहाँ हम जब बैठ के जब रामचरितमानस का जब पाठ किया तो हमें ऐसा लगता है हम द्वापर युग में राम जी के साथ वहाँ उस सेना में लगे हुए हैं, ऐसा हमें महसूस हुआ है। तो ये आनंद का अनुभूति है। रामचरितमानस जी का पाठ था ये। और ये जब राम मंदिर बनना चालू हुआ था तो हमने महाराज जी समा राम जी के महाराज के सानिध्य में हमने ये विचार किया तीनों भाइयों ने और हमारे माता जी के सानिध्य में, जब मंदिर बन के रेडी हो जाएगा हम मंदिर का उत्सव मनाएंगे। तो अभी 15,000 लोग राजस्थान से, 13, 14 या 16 भी हो सकते हैं, अंदाजे 15,000 लोग राजस्थान से और पूरे भारत से आए थे यहाँ पर मंदिर का उत्सव मनाने के लिए। नौ दिन का था, जैसे नवरात्रि होता है वैसे 9 दिन के लिए था। आज बहुत